पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल ने जो जंग शुरू की थी वो अभी खत्म भी नहीं हुई है कि सीरिया में एक और युद्ध शुरू हो गया है। सीरिया में बीते 27 नवंबर को सेना और विद्रोहियों के बीच चल रहे संघर्ष में सेना को एक और झटका लगा है। विद्रोहियों ने हमा, अलेप्पो और दरा पर कब्जा करने के बाद विद्रोही होम्स में भी घुस गए हैं। सूत्रों ने कहा कि सीरियाई विद्रोही शनिवार को होम्स के उपनगरीय क्षेत्र में घुस गए हैं। होम्स के एक निवासी और सेना तथा विद्रोहियों के सूत्रों ने बताया कि विद्रोहियों ने शहर के उत्तर और पूर्व से सरकारी सुरक्षा में सेंध लगाई है, लेकिन सीरियाई सेना ने इन रिपोर्टों पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि होम्स रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके उत्तरी भाग में शुक्रवार देर रात से ही लड़ाई जारी है। असद की सेना विद्रोहियों पर काबू पाने के लिए बड़े हवाई हमले कर रही है। वहीं विद्रोहियों का दावा है 24 घंटे के भीतर विद्रोहियों ने लगभग पूरे दक्षिण पश्चिम पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, सरकारी बलों के पीछे हटने के कारण वे दमिश्क से 30 किलोमीटर यानी 20 मील के भीतर तक आगे बढ़ गए हैं। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा कि असद अभी भी दमिश्क में ही है। आपको बता दें, रूस और ईरान के समर्थन के बावजूद इन क्षेत्रों में युद्धबंदी लागू नहीं रह पाई और हिंसा की घटनाएं लगातार जारी रहीं। जानकारों की माने तो जिस गति से विद्रोही इस बार सीरिया में एक के बाद एक शहरों पर कब्जा कर रहे हैं वह अभूतपूर्व है। सीरिया में बीते 27 नवंबर से सेना और इस्लामी चरमपंथी विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोहियों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। इसके बाद विद्रोहियों ने पहले अलेप्पो और फिर हमा शहर पर कब्जा कर लिया। सीरियाई सेना ने ऐलान करते हुए बताया कि विद्रोहियों ने शहर में डिफेंस लाइन को तोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। 2011 में अरब क्रांति के साथ ही सीरिया में गृहयुद्ध की शुरुआत हुई थी। सीरिया के लोगों ने 10 साल से सत्ता पर काबिज बशर अल असद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके बाद फ्री सीरियन आर्मी के नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हुआ। विद्रोही गुट के बनने के साथ ही सीरिया में गृहयुद्ध की शुरुआत हो गई थी। इसमें अमेरिका, रूस, ईरान और सऊदी अरब के शामिल होने के बाद ये संघर्ष और बढ़ता गया। इस बीच सीरिया में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने भी पैर पसार लिए थे। 2020 के सीज फायर समझौते के बाद यहाँ सिर्फ छिटपुट झड़प हुई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक एक दशक तक चले गृहयुद्ध में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। आपको बता दें कि सीरिया में बशर अल असद की सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस्लामवादियों के नेतृत्व में विद्रोहियों का गठबंधन लगातार देश की राजधानी दमिश्क की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच यह विद्रोही रास्ते में सीरियाई सेना को हराते हुए कई अहम शहरों पर भी कब्जा करते जा रहे हैं। अलेप्पो और हमा के बाद अब विद्रोहियों ने सीरिया के दरा शहर को भी कब्जा कर लिया है। 2011 में सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान जब मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सरकार पर कुछ लड़कों के समूह को हिरासत में लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, तब दरा को क्रांति का पालना भी कहा गया था। यहां स्कूल की दीवारों पर असद विरोधी पेंटिंग्स भी बनाई गई थीं। बताया गया है कि जॉर्डन की सीमा पर करीब स्थित दरा पर स्थानीय सशस्त्र बल ने कब्जा कर लिया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक दरा प्रांत के अधिकतर इलाकों को स्थानीय धड़ों ने कब्जा किया है। वे अब इस प्रांत के 90% इलाकों पर कब्जा कर लिए हैं। इन सभी जगहों से असद की सेना को पीछे धकेल दिया गया है। आपको बता दें कि रूस और ईरान के समर्थन के बावजूद इन क्षेत्रों में युद्धबंदी लागू नहीं रह पाई और हिंसा की घटनाएं लगातार जारी रही हैं। जानकारी की माने तो जिस गति से विद्रोही इस बार सीरिया में एक के बाद एक शहरों पर कब्जा कर रहे हैं वह अभूतपूर्व है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।